हाँ तो भाई यहाँ हम आए हैं आज सात भाई के साथ कराची फूड फेस्टिवल, और यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि फूड फेस्टिवल है कि धक्का फेस्टिवल धक्के लग रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, इसमें जगह नहीं है खाने की, प्लेटों की जगह नहीं है। और उमेर क्या हाल है? क्या कर रहे हो यार? यार बस बेसिकली हम एम जुनून को प्रमोट कर रहे हैं। एम जुनून मोबाइल टीवी है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा अच्छा, तो बस यही है। और आप सुनाएं, सब ठीक था? पर हम नूरपुर के स्टॉल में आए हैं, अफगानिस्तान नूरपुर के स्टॉल पे कबाबे बन रहे हैं और हैप्पी आवर मेन्यू शाही चबली कबाब नूरपुर। वहाँ पर गंजी स्वैग भी आए हुए हैं जिन्हें अकरम साहब रिव्यू दे रहे हैं कुछ, और काफ़ी लोग जो हैं वो खाना छोड़ के उनके पीछे पड़ गए और देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये विंगेट का स्टॉल है, देख सकते हैं ये FM 3-1 हिपी। ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, ले रहे हैं हम बिल्कुल नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कल क्या करें। और यहाँ पर बन कबाबे तले जा रही हैं, बहुत ही अजीब से माहौल बना हुआ है यहाँ पर, लग रहा है कोई फेस्टिवल हो गया है। बहुत ज़्यादा रश है और लोग जो है वो किसी को भी नहीं देख रहे अपने खाने के लिए, और ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद, क्योंकि खाना और ख़वातीन का रिश्ता बहुत ज़्यादा है, खाना पकाने का भी और खाना खाने का भी। और बहुत ही मुश्किल हुई हमें यहाँ पर अंदर आने में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैमिली ओनली थी, और फिर भी हम घुस गए किसी तरह से। और ये यहाँ पर दाल चावल बना रहे हैं, नहीं दाल चावल नहीं है, नूडल्स लग रहे हैं। ओहो मैगी नूडल्स। ओ लोग यहाँ पर गेम भी खेल रहे हैं भाई, देख सकते हैं एक स्टेज बना हुआ है मेन, यहाँ पर कॉन्सर्ट होगा भाई यहाँ पर। अलग व्यू जो कि समंदर आपको दिखेगा यहाँ पर, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये बीच में आप देख रहे हैं कि समंदर है और ये बीच में एक पूरा राउंड है, बहुत ही खूबसूरत है, और ये पूरा पानी। यहाँ पर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और अपनी धुन में मगन हैं, और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर सिर्फ चाय पीने आए हैं, और बाकी लोग यहाँ पर कुछ नीचे बैठ के खाने खा रहे हैं अपने। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से सर। कैसा इवेंट, कैसा लग रहा है आपको? क्या अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इतना हंगामा हो रहा है, आई थिंक पूरा कराची उठ के यहाँ आ गया। और जो नहीं आए देगा ना, दे आर मिसिंग अ लॉट। कल लास्ट जाते हैं, शुड कम आउट। और बहुत सारा फूड है नूरपुर पर, हमने चीज़ से भरपूर चीज़ें बनाई हुई हैं, फ्रेंच फ्राइज है और जो डोरिटोस चिकन है चीज़ सॉस के साथ हैं, पिज़्ज़ा पराठा है और दूध पत्ती चाय बहुत सारी हैं, चीज़ गुलाब जामुन, चीज़ केक है, तो मज़ा सी है। कोई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं ये, मतलब लोग समझते हैं कि चीज़ जो है वो हेल्थ के लिए सही नहीं है? नहीं, आई थिंक हर चीज़ मॉडरेशन में सही है। अब ओवरडू किसी की चीज़ कभी कर देंगे तो आई थिंक ओवर पानी भी पी लें तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन थिंग, और एज अ टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, वंस इन अ व्हाइल आप यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों की चीज़ बहुत अच्छी जाती है, तो यू नो आई यूज़ अ लॉट। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता लेकिन खाता ज़रूर हूँ, दिन में एक दो चक्कर तो आ ही जाते हैं, वंस इन अ व्हाइल आई कंज्यूम वो चीज़ जिसमें चीज़ और पिज़्ज़ा है ऐसी चीज़ खा लेते हैं, तो चीज़ बुरी नहीं है, आप उसका भागना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है सही। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं आपने नूरपुर से? नूरपुर से हमने यहाँ पे चिकन स्ट्रिप, डोरिटोस चिकन स्ट्रिप्स है, मसाला फ्राइज है, ये चीज़ सॉस के साथ है, देन वी हैव पिज़्ज़ा पराठा है, चिकन चीज़ बॉल्स हैं हमारे पास,
मिल्क शेक्स हैं बहुत सारे और चाय दूध पत्ती इलायची जाफरान यू नेम इट बहुत सारी चीजें चाय में भी चीज नहीं चाय में चाय में दूध हमारे बिकॉज़ वी हैव अ दूध ना हां इट्स अ फुल क्रीम मिल्क तो वो भी हमारे पास है चलें बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी बहुत शुक्रिया थैंक यू बताएं सर कैसा लग रहा है आपको इवेंट इवेंट इज वेरी गुड एंड आई थिंक इट्स कराची नीड इवेंट लाइक दैट और मैंने मतलब ये ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी मुश्किलात और मसले यहां पर चल रहे हैं कराची में देखिए तरह से अचानक से बंदा भूल गया बिल्कुल रिलैक्स हो गए यहां पे देखें यहां पे बड़ा अच्छा क्राउड आया हुआ है लोग बहुत मजे कर रहे हैं लेकिन यहां पे थोड़ा सा मसला है कि अंदर आना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि कराची के लोगों को एंटरटेनमेंट मिलती नहीं है आपको पता है अब यहां पे लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रही है एंड दे आर पॉपिंग अप एंड पॉपिंग अप इतना क्राउड है कि मतलब अंदर आना बहुत मुश्किल है अब देखिए मैं कुछ चीजें मैं यहाँ पे टेस्ट कर चुका हूँ मैं देख रहा हूँ 130 स्टॉल्स हैं पूरा मैप है इसका जी हाँ ये पूरा इसका मैप और पूरी डिटेल दी हुई है और 126 स्टॉल्स हैं इसके अंदर तो मैं काफी सारी चीजें चार चीजें ट्राई कर चुका हूँ आई वांट टू ट्राई सम मोर चले एंजॉय करें आप फिर हम आगे बढ़ते हैं श्योर सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है कराची में बड़े दिनों बाद ऐसा इवेंट होता है तो सबके साथ आके मिल के बहुत खुशी होती है बच्चों के साथ निकलते हैं खाने पीने की बातें होता है और मतलब यहाँ पर फूड कैसा है फूड तो वही स्टॉल्स हैं सारे कराची में तो हम कराचीएट हैं तो यही खाते रहते हैं अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी क्या बना रहे हो भाई चप्पल कबाब जी चप्पल कबाब अच्छा तो ये किस तरह बनती है भाई बीफ का कीमा है चपली कबाब मसाला है जीरा धनिया है अच्छा कितनी देर में बन जाएगा आपको मिलेगा तकरीबन 5-10 मिनट में तैयार और देख रहे हैं यहाँ पर चाइनीज का क्लासिक भी है अरबिक फूड भी है और जो है यहाँ पर मेहरान अभी स्टॉल है मैं किसी को ढूंढ नहीं सकता और यहाँ पर बिरयानी और हलीम खा रहे बिरयानी और हलीम यहाँ की फेवरेट कराची की ख़ास डिश बिरयानी और हलीम सेवन काफ़ी स्टॉल्स हैं मतलब आप सोचें शान वाले भी आए हुए हैं यहाँ पर और तब आप सोचें कि क्या ब्रांड आपको चाहिए और वो यहाँ मौजूद है तकरीबन हर लोग ही आ गए हैं और आज की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है और यहाँ पर स्टॉल लेना मतलब आपकी प्रेजेंस पूरे कराची के लिए या पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं देख सकते हैं आप मतलब केक तो बड़े बड़े और लग रही है इतने बड़े बड़े ही होंगे तो स्टॉल है लोग लाइन लगा के खड़े हैं काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर चॉकलेट के अलावा शॉपिंग अस्सलाम वालेकुम जी ये आपका स्टॉल पे काफ़ी रश है जी जी। तो क्या क्या वजह है इसकी बस ये हमारा लेडी मार्मलेड का स्टॉल है और इस पे हम सारी फ्राइड डेजर्ट्स जो है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें फनल केक है फ्राइड ओरियोज है फ्राइड मार्स है फ्राइड स्निकर है सो बेसिकली द आइडिया इज टू मेक अ वार्म क्विक डिजर्ट विच पीपल कैन जस्ट हैव इट राइट देयर and we are serving with it with a scoop of ice cream and strawberries or people are loving it to aapka matlab ki kahan se start hua ye ye jo hai idea aapko kaise ji lady marmalade brand hai hamari jo hum log cakes wagaira banate hain और डिफरेंट इवेंट्स में हम पॉपअप डिज़र्ट शॉप अपनी करते हैं और लास्ट ईयर भी हमारा इधर स्टॉल था कराची ईट में दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज़ वंडरफुल वी गॉट एन अमेजिंग फीडबैक फ्रॉम द पीपल एंड दिस इज़ व्हाट मोटिवेटेड मी टू या स्टार्ट दिस तो या के तो आप किस तरह का अभी रिस्पांस अब कब तक हाँ, कैसा मिला है जी इट्स वेरी गुड पीपल आर लविंग इट एंड यू नो एवरीबडी लव्स अ वार्म डिजर्ट अ क्विक वार्म डिजर्ट जो आप चाहें और आपको फौरन मिल जाए और वो चॉकलेटी हो और नटेला हो उस पर और आइसक्रीम हो और मेल्ट इन योर माउथ उसका टेक्सचर हो सो या एवरीबडी इज लविंग इट अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत अच्छा है ये मेरे को तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी खा लूँ और ये कर लग रहा है कि लग रहा है मैं खा लूँगा इसको जी दीज आर फ्राइड ओरियोस दीज आर लाइक आवर बेस्ट सेलिंग सो या यू कैन जस्ट ट्राई इट एंड
चलें, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई अब इसकी शर्त ये है कि इसको जो है वो ये खाना है पूरा है, और इसके बाद ये भी खाना है। आइसक्रीम भी खानी है, आइसक्रीम भी खानी है, तो आपको टेस्ट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। फिर और लोग करता हूँ ये मुंह नहीं खुल रहा मेरा। बाबू क्या खा रहे हैं भाई? हम पराठा खा रहे हैं, चीज पराठा। चीज पराठा, और क्या है भाई? दूध जलेबी। दूध जलेबी, और जाफरानी चाय। जाफरानी चाय ये बना रहे हैं, इनका भी रहते ये बना रहे हैं। ये तो कोई आलू का पराठा लग रहा है, बहुत सारे हैं इनके पास। अच्छा, ये इसमें चीज भी डालते हैं। किसी ने खाया है अभी तक? कोई बचा है खा के? ये भाई साहब अब बनाएंगे दूध जलेबी। ये जलेबी पे इन्होंने डाला नुटेला, ये डाले थोड़े बादाम, और ये दूध। थैंक यू यार, थैंक यू भाई। हमें जगह नहीं मिली है यहाँ पर बैठने की, तो हम ये यहाँ नूरपुर के स्टॉल के सामने ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर चाय पियेंगे अब हम, चाय दी है हमें, यहाँ से चाय ली है और दूध। अच्छा दूध है, दूसरे दूधों से इधर आई है, अच्छा है। और उसके साथ ये दूध या मैं जलेबी उठाई खा ली, और दूध भी। तो आपने देखा यहाँ पर कितने सारे स्टॉल्स हैं, और लोग यहाँ पर काफ़ी लोग तादाद में आए हुए हैं, और यहाँ पर इतने स्टॉल्स हैं कि लोग मैप देख रहे हैं कि आप और क्या क्या खाएं। और बहुत कम मौका होता है कराची में कि लोगों को खुशी और कोई हैपनिंग जगह पे जाने का मौका मिलता है, तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर बिल्कुल आप ज़रूर आएँ। और जो नहीं आया वो बहुत परेशान है, और जो नहीं आया उसने काफ़ी कुछ मिस किया है।